लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। एंड कल का टॉपिक थोड़ा सब बच गया है, वी हैव टू कंप्लीट टुडे दैट टॉपिक वाज इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट्स ओके, या इट्स फाइन नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इंटू टू कैटेगरीज, एक वो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है और एक वो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो डिटरमाइन किया जाता है एक सिंगल जीन में अल्टरनेशन होने के कारण या फिर म्यूटेशन के कारण। दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be tracked in a family by pedigree analysis. और ये जो pattern है inheritance का, इस तरह के जो Mendelian disorder है उसे एक family में हम track कर सकते हैं pedigree analysis की मदद से। Most common and prevalent Mendelian disorder है, तो कुछ जो most common जो Mendelian disorder है उसमें शामिल है hemophilia, cystic fibrosis, सिकल सेलेनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल केटोनोरिया, थैलेसीमिया। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि दे में सिंपली आस्क यू विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर शामिल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल केटोनोरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो कुल 4-5 एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में, एंड वी हैव टू मेमोराइज दिस ऑल्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहला है सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल केटोनोरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, फिनाइल केटोनोरिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मूव ऑन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है, बट पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। एंड जब आप पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट मे आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। वहीं हीमोफीलिया जैसे केस में यहाँ पे जो ट्रेट है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड हो सकता है। इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। कहते ये
और ये एविडेंट है कि जो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट है वो ट्रांसमिशन शो करता है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में। अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 5.14 फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। और ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है इसका एक रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री 5.14 में जो फिगर है इसमें दिया गया है फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। टू डिस्कस विद योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्री फॉर कैरेक्टर लिंक टू बोथ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस फिगर को समझते कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस। पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका, तो डोमिनेंट है एग्जाम्पल माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया हल्के से इस तरह का पेडिग्री ऑब्जर्व किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। तो एक कलर ब्लाइंडनेस में जो पेशेंट होता है वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। ये जो डिफेक्ट होता है म्यूटेशन के कारण होता है, जो किसी प्रकार के जो जीन है एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है उसमें उस डिफेक्ट होने के कारण होता है। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल। ये 8% मेल में होता है एंड सिर्फ 0.4% ही फीमेल में होने के चांसेज है इसके। दिस इज बिकॉज द जीन्स डैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसका कारण ये है कि जो जीन यहाँ पे जो दिस इज बिकॉज द जीन डैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जो जीन है जो कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि रिसेसिव है, क्योंकि एक्स हमेशा कहाँ से आता है, मदर से। तो मेल के पास ओनली मेल से ओनली वन एक्स, अच्छा तो मेल में कितना परसेंट है, 8% मेल में हो सकता है एंड फीमेल में इतना ही चांस है। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव टू एंड the son of woman who carry the gene has a 50% chances of being color blindness। तो अगर एक महिला के बच्चे को, एक महिला की बात करें जो इस बीमारी को कॉज, जिसको एक बीमारी है, तो उसके जो बच्चा है उसमें बीमारी होने का 50% चांस है। The mother is not herself color blind because he lacks visible mother is not herself color blind because the gene is recessive। The mother होता है वो खुद color blind नहीं होती है,
क्योंकि इसमें जो जीन है वो रिसेसिव होता है, डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। इसका ये मतलब हुआ कि जो इफेक्ट है वो मैजिक जो डोमिनेंट नॉर्मल जीन होता है उसके द्वारा सप्रेस करा दिया जाता है। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, यही कारण है कि जब जो जो बेटी होने वाली है किसी लेडी का वो कलर ब्लाइंड नॉर्मली नहीं होगी, अनलेस हर मदर इज अ कैरियर, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि जो माँ है वो कैरियर नहीं होगी, एंड हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड, और उसका जो पिता होगा वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। दिस शुड बी द कंडीशन फुलफिल्ड, तभी एक लेडीज जो कि उसका गर्ल या डॉटर है दे विल बी कलर ब्लाइंड। हीमोफीलिया की बात करते हैं, दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज वी शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड। तो हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये जो सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज है जो कि अपना वी शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, जो कि एक फीमेल जो कि अनफेक्टेड है लेकिन वो कैरियर है, उसके कुछ जो मेल प्रजनी होंगे उसमें ये स्टडी किया जा सकता है। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टेबिलिटी। एंड हीमोफीलिया जैसी बीमारी का एक कंडीशन ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अगर सिंगल छोटा सा भी कट हो जाने से ऐसे पेशेंट में खून रुकता ही नहीं है, एंड द हेटरोजेगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बींग एन हीमोफीलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी लिस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफीलिक एंड बी वेल इन द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। द फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफीलिक डिसेंडेंट एंड शी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोम से लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है जब बोथ दी पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। द डिजीज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील एचवी एंड एचवीएस। उस टाइम पहले लाइट कट गया था। ऑलवेज रिमेंबर जितनी बड़ी सक्सेस होगी स्ट्रगल भी उतनी बड़ी होगी। एंजॉय द जर्नी ऑफ द सक्सेस विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। और थ्री पॉसिबल जीनो टाइप ओनली होमोजेगस इंडिविजुअल जो होगा जो फॉर एच बी एस सो द डिजीज फिनोटाइप हेटरोजाइगस एच बी एस इंडिविजुअल अपेरेंटली अनफेक्टेड बट दी आर कैरियर ऑफ द डिजीज एट दैट 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। थस एग्जिस्टिंग सिकल सेल एनीमिया दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन एट द सिक्स प्लेस। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये डिफेक्ट जो है इसका होने का कारण ये कि क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वैलिन द्वारा सिक्स पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का उसमें। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन द एट द सिक्स्थ कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम जीएजी टू जीयूजी। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द
causing the change in the shape of the herbicide from the biconcave shape, concave disc to elongated sickle digestion. तो सिकल सिलेनेमिया में जो यहाँ पे जो आरबीसी का शेप होने वाला है, जो कि पहले बाइकनकेप के रूप में होता है, लेकिन वो इलोंगेटेड बिल्कुल सिकल लाइक फॉर्म में हो जाता है. 5.15 फिगर में भी देख सकते हैं. फिनाइल केटोनुरिया की बात करते हैं. दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एट द ऑटोसोमल रिसेसिव स्टेज. The affected individual, the affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. तो ये जो फिनाइल केटोनुरिया जो डिजीज है, the affected individual, ऐसे individual जिसको इस तरीके की बीमारी होती है, तो जो affected individual होगा ना, उसमें एक एंजाइम नहीं होता है जो कि एक्चुअल में अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन में बदलता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलानिन इज एक्युमुलेटेड, जिसकी वजह से ये फिनाइलएलानिन है वो एक्युमुलेट होता जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड, जो कि बाद में फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड अदर डेरिवेटिव्स. एक्युमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन. और जब यही चीज़ मेंटल में, जब ब्रेन में जाके एक्युमुलेट होती है, तो ये मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनता है. दिस आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी. और इसे किडनी भी नहीं उजाड़ कर पाता, इसलिए ये यूरिन के थ्रू भी बाहर एक्सक्रीट किया जाता है. थैलेसीमिया, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है. When both the partners are unaffected carrier for the gene, the defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate of the synthesis of one of the cloning gene that make up hemoglobin. This causes the formation of the abnormal hemoglobin molecules, resulting into anemia, which is characteristics of the disease. Because this कॉज दी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन एनीमिया. एंड थैलेसीमिया जैसी कंडीशन में यहाँ पे एनीमिया एक कैरेक्टरिस्टिक डिजीज देखने को मिलता है. थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन फैक्टर. और थैलेसीमिया को आप अलग अलग क्लास में बांटते हैं इसके आधार पर कि जो हीमोग्लोबिन का कौन सा चेन है वो अफेक्टेड हुआ है. इन अल्फा थैलेसीमिया, तो अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करें, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. और वही अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ जो बीटा ग्लोबिन है वो अफेक्टेड होता है. अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन. द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड. यानी जितना ज़्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतना कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. जबकि जो बीटा थैलेसीमिया होता है इज कंट्रोल बाई अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट के जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर है एक सिंगल जीन है HBB, जो कि बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल कर रहा होता है. एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन. तो इस कंडीशन में एक जीन या बोथ जीन जब म्यूटेटेड हो जाता है, तो इसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलता है. थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेलेनेमिया. आप थैलेसीमिया को सिकल सेलेनेमिया मत समझो. हालांकि यहाँ पर भी एनीमिया एक करेक्टरिस्टिक इसके फीचर है कि थैलेसीमिया जिस बंदे को होगा उसको एनीमिया भी होगा. बट इसे सिकल सेलेनेमिया से हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे कि जो बाई कनकेव अपना आरबीसी था वो उसका शेप चेंज हो गया, सिकल टाइप हो गया. यहाँ पर एक सिंगल कट होने से दैट सिंगल कट वाला कहाँ था, हीमोफीलिया, दैट इज अ फीचर ऑफ हीमोफीलिया. कि वहाँ पे अगर बंदे को हीमोफीलिया जैसी बीमारी हो, तो अगर सिंगल कट छोटा सा भी कट होने से उसका खून नहीं रुकेगा एंड दे में कॉज ऑफ देयर डेथ.
और उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है विदाउट गेटिंग फर्दर डिले। तो थलासीमिया को आप पे सिकल सेलेमिया में नहीं समझना है। इन डैट द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स व्हाइल द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्ट फंक्शनल ग्लोबुलिन। तो थलासीमिया जिस वाले कंडीशन में या थलासीमिया में क्या हुआ कि एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे कुछ ही ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज किए जाते हैं थैलेसीमिया वाले में। वहीं सिकल सेल एनीमिया वाले में एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है सिंथेसाइजिंग इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबुलिन। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये तो डिफरेंट तरीके के मेंडेलियन डिसऑर्डर थे दैट यू स्टडीड। लेट्स टॉक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ऑन दी अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम की एबनॉर्मल अरेंजमेंट के कारण ऐसा देखने को ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है देखने को मिलता है। फेल्योर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड एनिप्लॉयडी। कहते ये जो क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होने में वो ना होता है तो अगर फेल हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान तो जिसकी वजह से गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है क्रोमोसोम का एंड दिस कंडीशन इज एनिप्लॉयडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम की बात करें जो कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो 21 है उसका एक्स्ट्रा कॉपी की गेन करने का एक कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम जो है ह्यूमन फीमेल में देखने को मिलता है लॉस होता है। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस यानी जब ऐसा कंडीशन जहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो फेल हो जाता है टेलोफेज के बाद रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज। तो इस कंडीशन में एक ऑर्गेनिज में एक होल सेट जो है क्रोमोसोम का वो इंक्रीज कर जाता है एंड ये जो फिनोमेना है इट इज पॉलीप्लॉयडी। दिस कंडीशन इज ऑफ्टन सीन इन प्लांट्स और पॉलीप्लॉयडी वाली कंडीशन जो है वो हमें प्लांट में देखने को मिलता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इज 46 यानी 23 पेयर। आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। इसमें जो 22 पेयर्स है वो ऑटोसोम होता है और वन पेयर जो वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समटाइम्स दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। और इन इंडिविजुअल ब्लैक वन और एनी वन पेयर ऑफ दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। सच सिचुएशन लीड टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेज इन द इंडिविजुअल। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये कॉमन एग्जाम्पल है क्रोमोसोम डिसऑर्डर के। ये तो तीन ही एग्जाम्पल बहुत कम है, याद करना आसानी है। एंड इसको छोड़ देंगे तो बाकी सब मेंडेलियन डिसऑर्डर में यूज किया जा सकता है टिक मारने के लिए। भाई सही है, तो बात कर लेते हैं ना डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि दिस कॉज ऑफ द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। लेकिन किस में किस तरीके का फीचर है ये भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका एक एडिशनल कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगॉन डॉन 1866। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैटर्ड विद स्मॉल राउंड हेड फ्रूट टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ।
one which brought with characteristics sperm is physical, psychomotor and mental development is retarded. ठीक है, मुझे इसमें बस ये याद रखना कि ये जो डाउन सिंड्रोम है यहाँ पर ट्राइसोमी अब 21 क्रोमोसोम का देखने को मिलता है, यानी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर का, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसका एक एडिशनल कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस कंडीशन में, डाउन सिंड्रोम वाले कंडीशन में। यानी जो इसका जो सिम्टम है, मतलब किस तरह के जो लोग होते हैं जिनमें ये जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके जो फिजिकल अपेयरेंस है ये भी जानना जरूरी है। तो शॉर्ट सेटर होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा, फ्रूट टंग होगा एंड पार्शियली ओपन माउथ होगा, पल्म ब्रॉड होगा विद कैरेक्टरिस्टिक पल्म सीरीज, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ऐसे लोगों में ये कंडीशन देखने को मिलता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमें देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो कि हमें देखने को मिलता है जब एक्स क्रोमोसोम जो है एडिशनल कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट रिजल्ट इन टू कार्योकॉपी कार्योटाइप ऑफ 47 यानी एक्स एक्स वाई। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, और ऐसे इंडिविजुअल में ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है। हाउएवर क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इट इज गायनेकोमास्टिया, यानी गायनेकोमास्टिया गायनेकोमास्टिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सच इन एस्ट्राइल। एंड क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा वो एस्ट्राइल होगा। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम यानी यहाँ पर कार्योटाइप होगा पोटेशियम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम हमें तब देखने को मिलता है जब एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, जब एक्स एक जो है एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इट इज 45 विथ एक्स ओ, सच फीमेल्स आर एस्ट्राइल, और यहाँ पर ये जो बंदी है महिला वो एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर। ठीक है, तो इन चीज़ों तीनों में याद रखना कैसे है, ये बोल सकते हैं डाउन में ट्राइसोमी हुआ क्रोमोसोम नंबर 20, लाइन फिल्टर में एडिशनल कॉपी हुआ एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस से वन एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी 45 इन क्रोमोसोम होता है एक्स विद एक्स। यही कारण है कि जो यहाँ पर फीमेल होता है वो एस्ट्राइल होता है, क्योंकि उसको ओवरी जो है रूडिमेंट्री होता है, और यहाँ पे जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है वो भी लैक होता है। यहाँ पे कुछ निमोनिक्स बन सकता है, क्या सो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। Thank you.
लेकिन उससे पहले एक दूसरा चैप्टर वन डे वन चैप्टर नॉर्म जो नारा था उसके लिए करना होगा, छोटा छोटा टॉपिक है इसको सर्ट मतलब सिंह भवन बिल्कुल।